अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस। नाजरीन, वादी कश्मीर में आग की वारदात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। इन वारदात में करोड़ों रुपयों का अमलाखा जलकर खाकसर होता है। वहीं आज एक और वाका श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पेश आया है। आपको बता देते हैं कि लाल चौक के रीगल लेन के करीब एक दो मंजिला इमारत में आज सुबह आग भड़क उठी और इस दौरान आग के शोलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। बताया जाता है कि आग की वारदात श्रीनगर के रीगल लेन में वाका एक दो मंजिला रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर धमाके से लगी है। आपको बता देते हैं कि मकान में जो ही आग नमूदार हुई तो आसपास के लोगों ने फौरी तौर पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मुतल्लक किया और महकमा के अहलकार मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया और इस दौरान सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान महकमा के एक फायर फाइटर और साथ ही एक सेल्समैन भी जख्मी हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस। مۄکلیو